अच्छा, तो हमने लास्ट लास्ट में डिटरमिनेंट का टॉपिक, एडजॉइंट का टॉपिक और इनवर्स का टॉपिक, ये हमने डिटेल में देख लिया था। आज की क्लास में जो टॉपिक स्टार्ट होगा, 2.3 हमने कंप्लीट कर ली थी, तीन एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। आज की क्लास में टॉपिक है, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, कि डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है। वो प्रॉपर्टीज आपको काफी हेल्प करेंगी आगे की एक्सरसाइजेज में, सिर्फ 2.4 में नहीं करेंगी, आगे सबकी एक्सरसाइजेज में ये आपको प्रॉपर्टीज हेल्प करेंगे। अब जरा देखते हैं कितनी प्रॉपर्टीज है। मेरे ख्याल में 7-8 प्रॉपर्टीज होती हैं, सबको देख लेते हैं। ऑर्डर वाइज लेके जा रहा हूँ, जो बुक में लिखा हुआ है वही मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ ना, ये किसी ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करती। चाहे कोई भी 2x2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हो, 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, 4x4 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, सब पे प्रॉपर्टी कॉमन है, सब पे अप्लाई हो सकती है। दूसरी बात, अगर मैं बात कर रहा हूँ रॉ की, सेम चीज कॉलम के लिए भी अप्लाई होगी। अगर मैंने बोला दो रॉ सेम हो जाए, तो वही चीज कॉलम के अंदर भी है कि अगर दो कॉलम सेम हो जाए तो वही चीज हो रही होगी। तो मैं रॉ बोलूं या कॉलम बोलूं, बात एक ही है, जो बात रॉ के लिए वैलिड है वही कॉलम्स के लिए वैलिड होगी, ठीक है। लेकिन नॉर्मली हम जो प्रॉपर्टीज है वो रॉ की फॉर्म में बता रहे होते हैं, लेकिन जहन में रखो जो रॉ के लिए वही कॉलम के लिए होता है। तो आज प्रॉपर्टी नंबर वन, बुक है तो खोल लो, 48 पेज है। प्रॉपर्टी नंबर वन में लिखा हुआ था, वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स ए एंड इट्स ट्रांसपोज आर ऑलवेज इक्वल। वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, आप उसका डिटरमिनेंट लो या उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट लो, तो वो हमेशा आपस में बराबर होता है। मतलब अगर आपने ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लिया या आपने उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट लिया, डिटरमिनेंट को फर्क नहीं पड़ता कि आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो या ट्रांसपोज ना लो, डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है वो सेम ही रहती है। अगर आप लोगों को शौक हो कि ये कैसे हो सकता है, प्रूफ हमें चाहिए, तो बुक में प्रूफ लिखे हुए हैं, मैं टाइम अपना जाया नहीं करना चाह रहा। जैसे एग्जाम्पल में उन्होंने एक 3x3 की मैट्रिक्स लिखी हुई है, सबसे पहले उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला है, फिर उसका ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकाला है, और अगर आप ऑब्जर्व करो दोनों डिटरमिनेंट आपस में इक्वल है। तो अगर वेरिफिकेशन आपको चाहिए तो बुक में उन्होंने पूरी प्रॉपर एग्जाम्पल देके वेरीफाई किया है, ठीक है। तो वो वेरिफिकेशन देख लेना, प्रॉपर्टी समझाना मेरा काम है, वो मैंने आपको बता दिया कि ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लो या उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट लो, डिटरमिनेंट एक वैल्यू होती है, वो वैल्यू सेम ही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको दूसरे लैंग्वेज में हम इस तरह भी बोल सकते हैं कि अगर आप किसी मैट्रिक्स के रॉज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करो, मतलब ट्रांसपोज की डेफिनेशन होती है ना ये, रॉज और कॉलम को इंटरचेंज करना, तो अगर आप किसी मैट्रिक्स के रॉज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रॉपर्टी को दूसरे अंदाज में भी इस तरह बोल सकते हैं आप। अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर टू लिखी हुई, द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रॉ ऑफ अ मैट्रिक्स ए चेंजेस द साइन ऑफ इट्स डिटरमिनेंट विदाउट ऑल्टरिंग इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू। इसका मतलब ये है, ये मैं एग्जाम्पल देके आपको जरा समझाता हूँ कि बिलफर्ज अगर आपके पास एक डिटरमिनेंट लिखा हुआ है कि आपने, मैं 2x2 समझाता हूँ ताकि टाइम कम लगे। फॉर एग्जाम्पल इस मैट्रिक्स का आपको डिटरमिनेंट लेना है, ठीक है। यहाँ पे जहन में रखना डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज और मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज दोनों अलग होती है, क्योंकि अगली एक्सरसाइज में मैट्रिक्स की काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज तो नहीं, ऑपरेशन है, लेकिन समझने के लिए आप कंपेयर कर सकते हो कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों को अलग अलग ट्रीट करना है आपने। ये नहीं कि जो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी पड़ी है वो आप जाके बोल लोगे सर मैट्रिक्स में क्यों अप्लाई नहीं हो रही, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज है। ये डिटरमिनेंट है, साइन देख के आपको पता चल रहा है, और अगर स्क्वायर ब्रैकेट होती इसका मतलब वो मैट्रिक्स है, तो जो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है वो मैट्रिक्स पे अप्लाई नहीं करना, सही है। मैं बाद में भी आप लोगों को बताऊंगा, जिस प्रॉपर्टी में कंफ्यूजन होती है ना बच्चों को, वहां पे भी मैं क्लियर करूंगा। बहरहाल, तो प्रॉपर्टी नंबर टू कहती है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है जिसका आपको डिटरमिनेंट निकालना है, और आप अपनी आसानी के लिए किसी रॉस को आपस में इंटरचेंज करना चाह रहे हो, क्यों करना चाह रहे हैं वो जब सवाल आएगा तो आपको समझ आ जाएगी। अपनी आसानी के लिए कभी आप चाहते हो कि जो रॉ टू है ना यार, इसको मैं रॉ वन बना देता हूँ, ये दूसरी वाली रॉ है ना, मैं काम करता हूँ इसको, मैं ऊपर ले आता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसको इधर ले आता हूँ, और जो पहली वाली रॉ है मैं इसको नीचे ले आता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने जस्ट इसकी रॉस को इंटरचेंज कर दिया आपस में, जो रॉ वन थी उसको रॉ टू बना दिया, जो रॉ टू थी उसको रॉ वन बना दिया। तो ये करने से फर्क क्या हुआ, कंसीडर कर लो अगर इसका आंसर जो है ये 5 आना था, तो अब इसका आंसर -5 आएगा, ये फर्क पड़ेगा, जस्ट नेगेटिव आ जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये आपस में किस तरह रिलेटेड है, आपस में माइनस के रिलेटेड है, कि अगर इस पूरी चीज का आंसर 5 है तो इसका आंसर भी मतलब ये 5 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, -5, माइनस माइनस पॉजिटिव, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में आप इसको इस तरह समझो कि अगर आपके पास से एक डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, आप उसकी रॉस को इंटरचेंज करना चाह रहे हो, तो आप कर सकते हो बिल्कुल, बस आपको नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, ये काम आप करोगे, ठीक है।
अब ये बात मैंने रॉ के लिए बताई है कि अगर दो रॉ को इंटरचेंज कर रहे हो तो माइनस लगाना पड़ेगा आपको। ये बात कॉलम के लिए भी वैलिड है, आप कोई भी दो कॉलम को इंटरचेंज करो। फॉर एग्जाम्पल ये मैट्रिक्स है ना, डिटर्मिनेंट है ये, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इस तरह लिखता हूँ। अगर आप ऑब्जर्व करो मैंने क्या किया, मैंने सी टू को सी वन बना दिया और सी वन को सी टू बना दिया। तो अगर आप कॉलम्स भी आपस में इंटरचेंज कर रहे हो तो माइनस आपको लगाना पड़ेगा, ये बात है। और देखना इसका आंसर भी -5 आ रहा होगा, माइनस से माइनस करो तो इसके बराबर हो जाएगा ये। तो कहने का मतलब माइनस आपको लगाना पड़ता है जब आप रॉज या कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर रहे होते हैं। जहां पे सवाल हो पूछ लेना। अगेन उन्होंने प्रूव करके भी दिखाया है आपको कि पहले ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोर्ट डिटर्मिनेंट लिया है और फिर उन्होंने रॉस को इंटरचेंज किया है। क्या किया, किस रॉ को, सेकंड और थर्ड रॉ को उन्होंने आपस में इंटरचेंज किया है और ऑब्जर्व किया है कि जो फर्क है ना वो सिर्फ माइनस का पार्ट है, वैल्यू सेम ही है बस माइनस हो जाएगा। जैसे इसका डिटर्मिनेंट निकालो 5 आएगा, इसका निकालो -5 आएगा, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टी 3 में लिखा हुआ है इफ टू रॉज ऑफ अ मैट्रिक्स आर आइडेंटिकल देन इट्स डिटर्मिनेंट इज 0। वो कह रहे हैं कि अगर दो रॉ सेम हो जाए, कॉलम के लिए भी बात वैलिड है कि अगर दो रॉ सेम हो जाए तो डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल उन्होंने लिखा हुआ है, मैं चलो कोई स्टेटमेंट नहीं है तो मैं एग्जाम्पल देकर समझा देता हूँ कि बिलफर्ज अगर आपके पास, और नॉर्मली जब ये नॉर्मली जब एमसीक्यूज होते हैं ना किसी यूनिवर्सिटी की, जब आप तैयारी करते हो यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट होता है उसमें इस तरह कभी कंफ्यूज कर रहे होते हैं, इंटर लेवल पे इतना करते नहीं है कि वो 4x4 या 5x5 मैट्रिक्स दे रहे होते हैं। अब 5x5 मैट्रिक्स बच्चा देख ही घबरा जाता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आप जरूर उसमें देखोगे ये बात होगी कि कोई दो रॉ सेम होंगी उसके अंदर, ठीक है। जैसे मैं 3x3 की एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको, अगर आप इसमें देखो तो दो रॉ सेम है, R1 और R3 सेम है, तो जब दो रॉ सेम हो जाए इसका मतलब डिटर्मिनेंट 0 है, आपको निकालने की भी जरूरत नहीं है। अगर टाइम जाया करना चाह रहे हो तो निकाल लो, आंसर 0 ही आ रहा होगा। लेकिन जब दो रॉ सेम हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, इसका मतलब उसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के बराबर होगा। सेम चीज कॉलम के लिए भी है, अगर दो कॉलम भी सेम हो जाए तो भी डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। ये उन्होंने निकाल के दिखाया है तो देख लेना आप लोग। अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 4 लिखी हुई है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रॉ ऑफ अ मैट्रिक्स आर 0 देन इट्स डिटरमिनेंट इज 0। कि कभी आप ऐसी सिचुएशन देखो कि आपकी जो मैट्रिक्स है कोई रॉ जो है वो खत्म हो गई है पूरी, जैसे 4 5 6 0 0 0, कि आपने डिटरमिनेंट में देखा कि कोई भी रॉ जो है वो 0 हो गई है, मतलब उसके सारे एलिमेंट 0 हो गए, तो अब उस पूरे डिटरमिनेंट का आंसर भी 0 के बराबर होगा। अगर कोई भी रॉ आपकी 0 हो जाए या कोई भी कॉलम आपका 0 हो जाए, दोनों के लिए बात वैलिड है, तो आपका डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। और ये बात सेंस भी बना रही है, अगर आप देखो डिटरमिनेंट निकालने के तरीके मैंने बताए थे कि किसी भी रॉ से एक्सपेंड कर लो, किसी भी कॉलम से कर लो, तो अगर आप यहाँ R3 से एक्सपेंड करोगे डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, तो ये प्रॉपर्टी 4 हो गई। प्रॉपर्टी 5 लिखी हुई है, इफ एवरी एलिमेंट इन रॉ ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर के देन डिटरमिनेंट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय के। और उसकी एग्जांपल उन्होंने लिखी हुई है कि अगर आप इसको इस तरह समझो कि आपके पास एक मैट्रिक्स कर लेते हैं 1 2 3 -1 4 5 6 2 1, ये मैट्रिक्स है, तो उन्होंने क्या बोला हुआ है, इफ द ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रॉ ऑफ, तो नहीं ये नीचे वाली, इफ एवरी एलिमेंट इन रॉ ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर के। वो कहना चाह रहे हैं कि अगर आप किसी भी रॉ को फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कर लो, इसका डिटरमिनेंट जो है ना अभी कंसिडर कर लो के बराबर आ रहा है, कोई ना कोई वैल्यू आ रही होगी ना, आप क्या करते हो, आप इसकी किसी भी रॉ को, और अगेन किसी भी कॉलम को, एक ही बात है, किसी भी रॉ या कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो। कंसिडर कर लो मैं इस डिटरमिनेंट की दूसरी रॉ को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कंसिडर कर लो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फिर -5 20 25, तो अब वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, अगर इसका डिटरमिनेंट के था तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 5 के, ये फर्क पड़ेगा। तो अगर आप किसी डिटरमिनेंट में किसी भी रॉ को या किसी भी कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, जो उसकी पहले वैल्यू आनी थी ना, अब उसकी वैल्यू से वो नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा जिससे आपने डिटरमिनेंट की किसी भी रॉ को मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ भी आपने किया होगा। जैसे मैंने R2 को 5 से मल्टीप्लाई किया था, तो अब अगर डिटरमिनेंट क्या आना चाहिए था तो इसका 5 क्या आ रहा होगा, आप निकाल के देख लेना इसका डिटरमिनेंट और इसका डिटरमिनेंट, तो आपको खुद आइडिया, ठीक है।
ये जो चीज है ना कि आपने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि मैं 5 बाहर अभी मल्टीप्लाई ना करूं, इस तरह लिख लूं मैं, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो एक ही बात है ना। अगर बिलफर्ज अगर आपके सामने ये चीज लिखी जाए तो अब आप ऑब्जर्व कर सकते हो ये पूरी चीज के है और ये किसके बराबर है, मतलब 5 है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आर टू थी उससे आपने 5 कॉमन ले लिया, सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझ लो कि जो आर टू थी उससे आपने 5 कॉमन लिया। अब आप ये बात बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हो कि एक डिटर्मिनेंट ये था और एक डिटर्मिनेंट 5 कॉमन लेने से पहले जो था, ये वाला 1 2 3 -5 20 25 6 2 1, ये दो डिटर्मिनेंट थे। तो आप ये खुद बात ऑब्जर्व कर सकते हो कि जब मैं इस सेकेंड रॉ से 5 कॉमन लूंगा तो मेरे पास एग्जैक्टली दोनों डिटर्मिनेंट सेम हो जाएंगे। तो फर्क क्या है, इसका अगर आंसर के है तो इसका आंसर भी के होगा, लेकिन वो केस 5 से मल्टीप्लाई के 5K बना देगा। ये एग्जाम्पल उन्होंने बुक ने दी हुई है, ठीक है। तो हुआ क्या, अगर आप किसी रॉ को मल्टीप्लाई करोगे किसी नंबर से तो डिटरमिनेंट की पूरी वैल्यू भी उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी आपको अलाउ करती है कि आप डिटरमिनेंट की किसी भी रॉ से कुछ कॉमन ले सकते हो। जैसे यहाँ पे कॉमन आ रहा है ना, तो मैं से 5 कॉमन ले सकता हूँ। और लिखने का तरीका क्या होगा, अगर मैंने इस पूरी रॉ से कोई नंबर कॉमन लिया है तो आप बाहर लिख दो ऐसे, ये इसके लिखने का तरीका होगा, ठीक है। और सेम काम कॉलम से भी आप कर सकते हो। अगर इसका कॉलम में कोई कॉमन नंबर आ रहा हो, जैसे आप ऑब्जर्व करो ये जो कॉलम नंबर 2 है इसे 2 कॉमन आ रहा है, तो मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या किया मैंने जो कॉलम 2 था उससे 2 कॉमन ले लिया, ये कॉलम 2 था इससे मैंने 2 कॉमन लिया, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 10 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। तो सिंपल लैंग्वेज में जो प्रॉपर्टी नंबर 5 है ना, इसकी जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन ये होती है कि आप 5 या कोई भी नंबर कॉमन ले सकते हो किसी भी रॉ या किसी भी कॉलम से। आप कॉमन ले भी सकते हो और आप मल्टीप्लाई कर भी सकते हो, मतलब दोनों काम कर सकते हो। कि अगर आप 2 को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो किसी रॉ कॉलम से वो भी आप कर सकते हो, और अगर किसी से कॉमन लेना चाह रहे हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो जब 2.4 हम सॉल्व करेंगे ना, तब आप ये देखोगे हम ये हरकत कर रहे होंगे, ठीक है। यहाँ 5 प्रॉपर्टी क्लियर है सबको, कोई सवाल यहाँ तक? प्रॉपर्टी 2 में पहले का आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो दूसरे का पॉजिटिव में आएगा। आप ये समझो कि अगर ये पूरी चीज, अगर सिर्फ डिटरमिनेंट की आप बात करो, मैंने इनको आपस में इस तरह भी इक्वेट करवाया था। अगर आप इक्वेट की बात ना करो ना, जस्ट इस तरह देखो इसको, इस वाले को देखो और इस वाले को देखो, तो अगर इसका आंसर 5 है ना, इसका आंसर -5 आ रहा होगा। बल्कि निकाल के देख लेते ना, आइडिया हो जाएगा। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो 4, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6, इसका -2 आ रहा है। जबकि इसका देख लेते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6, 4 को 1 से करो 4, तो देखो इसका आंसर 2 आ रहा है। तो इसका -2, इसका 2, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पे फर्क क्या पड़ रहा है, माइनस से मल्टीप्लाई हो रही है वो। और अगर आप इसको इक्वेशन बना के लिखना चाह रहे हो, क्या आप बोलते हो ये वाली चीज और ये वाली चीज अभी तो इक्वल नहीं है ना, ऑब्वियसली ये -2 है और ये 2 है, ये इक्वल कैसे हो सकती है? तो अगर आपने इक्वल करना है तो इसके साथ माइनस लगा दोगे आप। अब आप ये चीज लिखो या आप ये चीज लिखो, अब ये एक ही बात है। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जब आप 2.4 को सॉल्व करते हो ना, तो उसमें अगर ये सिचुएशन आ रही है तो नेक्स्ट स्टेप में ना आप इंटरचेंज करते हो। तो अगर ये चीज लिखी हुई है, इसके इक्वल जो चीज होगी वही मैं नीचे लिखूंगा ना, तो इसके इक्वल ये वाली चीज होगी कि मुझे माइनस लगाना पड़ेगा, तब ये आपस में इक्वल होंगे। तो मैं इस स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप में ये चीज लिख दिया करूंगा, ठीक है। तो अगर आपस में आपने इक्वेट करवाने तो ये माइनस में लगा रहा हूँ। और यही चीज मैं आप लोगों को समय बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप किसी भी दो रॉ को इंटरचेंज कर रहे हो तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा, वरना वो आपस में इक्वल नहीं होंगे। असल मकसद तो है ना कि इक्वल रहे, ये ना हो कि नेक्स्ट स्टेप में आपने डिटरमिनेंट ही चेंज कर दिया। आपने अगर इक्वल रखना है तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा। अब क्लियर है? जी सर। अच्छा जी, तो 5 प्रॉपर्टीज हो गई हैं, ज्यादातर यही यूज हो रही होती हैं। छठी प्रॉपर्टी कौन सी है? देखो भाई, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ रॉ ऑफ अ मैट्रिक्स ए एक्सप्रेस एज द सम ऑफ टू टर्म, ये भी यूज होगी। ये बोल रहे हैं कि अगर आप किसी भी रॉ को, और ये आप कॉलम के साथ भी कर सकते हो, एक सेकेंड, बिलफर्ज दोनों तरीके से बात बोली जा सकती है। अगर आपके डिटरमिनेंट में देखो ना, ये सिचुएशन है। अब नंबर्स के अंदर ये सिचुएशन आपको नजर आएगी नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये है 1 2 3 4 5 6, नंबर्स के अंदर आप कहोगे सर ये क्या हरकत कर रहे हैं आप, सिंपल इनको ऐड कर लें आपस में तो वो मजा नहीं है। लेकिन जब ये अननोन्स आते हैं ना, तब ये प्रॉपर्टी हमें काम आ रही होती है। अगर आपने कोई चीज प्रूफ करनी होगी ना 2.4 में, तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि भाई अगर आप देखो किसी रॉ या किसी कॉलम को,
दो टर्म की फॉर्म में लिखा हुआ है, जैसे आप यहाँ पे देखो दो टर्म्स हैं, जो कॉलम वन है ये दो टर्म की फॉर्म में लिखा हुआ है, 2+3, 2+4, 5+6, तो ये चीज इसके बराबर है, आप इनको अलग कर सकते हो। मतलब आप दो डिटर्मिनेंट बनाओ, क्या करो उसमें, जो पहली रॉ है पहले डिटर्मिनेंट में आप इसके पहली टर्म जो है वो लिखो 2, 2, 5 इस तरीके से, ठीक है, और दूसरे डिटर्मिनेंट में आप इसके दूसरी टर्म लिखो 3, 4, 6 पहली रॉ कॉलम के अंदर, और बाकी जो दो कॉलम है उनको एज इट इज अपनी जगह पे रहने दो, करने की जरूरत नहीं है। तो आपने किया क्या, जब आपका कोई कॉलम या कोई रॉ दो टर्म की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आपने क्या किया, आपने उस डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया इस तरीके से कि जो भी कॉलम या रॉ दो टर्म में लिखी हुई थी ना, तो उसी कॉलम में आपने दोनों के पहले डिटरमिनेंट में आपने पहली रॉ सॉरी पहली टर्म कंसिडर की है, और दूसरे डिटरमिनेंट में आपने इसकी दूसरी टर्म कंसिडर की है। अब आप इसका डिटरमिनेंट निकालो, अगर चाहो तो निकाल के देख लेना, इसका डिटरमिनेंट निकालो, ये बराबर होगा इन दोनों डिटरमिनेंट के सम के। आप इन दोनों का अलग अलग डिटरमिनेंट निकालो, ऐड करो, देखना ये इस पूरे डिटरमिनेंट के बराबर आ रहा होगा, चाहो तो चेक करके देख लेना, ठीक है। और इसको उन्होंने उल्टा भी आप समझ सकते हो, उल्टा इन द सेंस कि अगर आप ये दो डिटरमिनेंट अगर आपस में ऐड हो रहे, अब देखो डिटरमिनेंट के अंदर तो ये प्रॉपर्टी नहीं होती ना कि आपने अगर दो डिटरमिनेंट ऐड हो रहे तो आप उनके हर एलिमेंट को ऐड करो। अब ये देखो ये मैट्रिसेस के अंदर होता था कि जब दो मैट्रिसेस को आप ऐड करते थे तो मैंने क्या बताया था कि जो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको आप ऐड कर रहे होते हो, लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता। अगर आप इन दोनों को ऐड करके इस तरह लिखोगे कि 2+3, 5, 1+1, 2, 2+4 सॉरी 2+2, 4, इसी तरह आप इसका एक डिटरमिनेंट बनाओ, तो ये चीज इक्वल नहीं होगी, करके देख लेना। इन दोनों का सम और ये आपस में इक्वल ही नहीं है, क्योंकि डिटरमिनेंट में आप इस तरीके से ऐड ही नहीं कर सकते। तो अगर आपको कहीं ये कंडीशन दी जाती है और आपको बोला जाता है कि डिटरमिनेंट को ऐड करो, तो उसके डिफरेंट तरीके हैं। डिफरेंट तरीके का मतलब किसी भी रॉ को आपस में आप ऐड कर दो, किसी एक की बात कर रहा हूँ, किसी भी एक रॉ को आपस में ऐड कर दो आप, या किसी भी एक कॉलम्स को आपस में ऐड कर दो। जैसे आप कहो कि यार मैं कॉलम टू के मैं ऐड कर रहा हूँ, तो ये चीज अब इसके बराबर होगी, कॉलम टू को ऐड करना है, बाकी दो कॉलम अपने जगह पे होंगे, तो 1 को 1 में ऐड करो 2, 3 को 3 में ऐड करो 6, 5 को 5 में ऐड करो 10। अब अगर आप ऑब्जर्व करो इन दोनों का सम होगा वो बराबर होगा इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के। तो मैट्रिसेस डिटरमिनेंट के अंदर जब आप दो डिटरमिनेंट को ऐड करते हो ना, तो ये नहीं कि हर रॉ मतलब हर एलिमेंट को एक दूसरे में ऐड कर रहे हो, तो नहीं, आप किसी भी एक रॉ को दोनों की पिक करो या किसी भी एक कॉलम को पिक करो और उनको आपस में ऐड करो। अगर आप रिवर्स में जाओ तो देखो मैंने यही काम किया था कि मैंने कॉलम 1 और कॉलम 1 दोनों को ऐड किया था आपस में। अगर मैं यहां से आऊंगा ना रिवर्स में, अगर आप देखो तो दोनों बातें मैंने क्लियर कर दी हैं। एक ये बताया कि आप किस तरीके से इनको ब्रेक करोगे, अगर दो टर्म लिखी हुई है तो आप किस तरीके से ब्रेक करोगे दो डिटरमिनेंट पे, और मैंने फिर रिवर्स भी बताया कि अगर आपको डिटरमिनेंट को ऐड करना है तो फिर आप किसी भी कॉलम को ऐड करोगे, किसी भी रॉ को ऐड करोगे, ये नहीं कि उनके हर एलिमेंट्स को आपस में ऐड करोगे तो वो बराबर ही नहीं होंगे, ये प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट की नहीं होती। प्रॉपर्टी नंबर 7 लिखी हुई है, इफ द एलिमेंट ऑफ वन रॉ ऑफ अ मैट्रिक्स ए आर के टाइम्स द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अनदर रॉ, देन डिटरमिनेंट 0 होगा उसका। इसको आप इस तरह समझो कि अगर मैं आपके सामने डिटरमिनेंट दूं, ठीक इस डिटरमिनेंट की खास बात क्या है, इस डिटरमिनेंट की खास बात यह है कि इसमें दो रॉ जो है ना डिपेंडेंट है, तीसरी रॉ जो है ना वो डिपेंड कर रही है पहले के ऊपर। क्या मतलब, मैंने तीसरी रॉ बनाई कैसे है, कोई स्टूडेंट बता सकते है तीसरी रॉ कैसे आई है? टू से मल्टीप्लाई किया पहली किसको? रो -2 से मल्टीप्लाई किया है। अगर आप ऑब्जर्व माइनस करो, सॉरी मैंने पहली रॉ को -2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, ये -4 हो जाएगा, इसको -2 से करो -8, इसको -2 से करो -1। तो जब आप किसी डिटरमिनेंट में कोई ऐसी रॉ देखो जो किस तरीके से आई है, क्या आपने किसी और रॉ को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया और आपने एक और रॉ बना दी, तो फिर उस डिटरमिनेंट का आंसर 0 होगा। क्यों 0 होगा, ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर लो, मैंने क्या बताया था कॉमन आप ले सकते हो, तो आप क्या करोगे इसमें से जरा कॉमन लो, जो तीसरी रॉ है उसमें से आप -2 कॉमन लो, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6। जो -2 आपने कॉमन लिया उसको बाहर लिख दो, ठीक है, आपने प्रॉपर्टी 5 लगा के रॉ 3 से -2 कॉमन ले लिया। अब आप इस पे लगाओ प्रॉपर्टी नंबर 3, जिसकी पहली और तीसरी रॉ आइडेंटिकल है,
इसका मतलब ये पूरा डिटरमिनेंट जो है ये क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर। जीरो को माइनस टू से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो कभी भी आप डिटरमिनेंट में देखो कि कोई रॉ या कोई भी कॉलम इस तरीके से आया है कि आपने किसी और कॉलम को या रॉ को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया था और आपने वो बना दिया, तो उसका मतलब उस डिटरमिनेंट का आंसर भी क्या होगा, जीरो के बराबर। यही वो टेक्निक्स होती हैं, प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 4। ये वो तीन प्रॉपर्टीज होती हैं जो अगर किसी यूनिवर्सिटी के टेस्ट में आते हैं ना मुश्किल बनाने के लिए, तो वो 5x5 की मैट्रिक्स दे देंगे आपको, 4x4 की दे देंगे, क्योंकि वो दिखते में घबराना, मतलब स्टूडेंट घबराता है यार 4x4 को कैसे मैं सॉल्व करूं, डिटरमिनेंट कैसे लूं। आपको डिटरमिनेंट नहीं लेना, क्योंकि तीनों वो प्रॉपर्टीज हैं जिसमें आंसर आपको जीरो मिल रहा होता है, इसमें भी जीरो, इसमें भी जीरो, इसमें भी जीरो। तो जस्ट आपको देखना होता है उसके अंदर, आपको खुद ही नजर आ जाएगा कि आंसर इसका जीरो आ रहा है, या तो कोई दो रॉ सेम होंगी, या कोई एक रॉ या कॉलम पूरा जीरो होगा, या फिर ये वाली चीज होगी कि किसी रॉ को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके एक और रॉ बना दिया आपने। ठीक है, और आई गेस आखिरी प्रॉपर्टी है, हाँ ठीक है, इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ अ रॉ ऑफ मैट इज एडेड अ कांस्टेंट मल्टीप्लाई, ठीक है, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज अनऑल्टर्ड। भाई ये प्रॉपर्टी ये है कि बिलफर्ज अगर आपके पास एक डिटरमिनेंट है, सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं, 7 8 1, 1 इसलिए क्या, क्योंकि अगर 9 कर देता ना इसका डिटरमिनेंट जीरो होता, तो जब डिटरमिनेंट जीरो हो गया तो प्रॉपर्टी प्रूव करने में थोड़ा मसला होता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा डिफरेंट किया। अगर आप इनके बाद में आंसर भी चेक करो ना तो सबके वेरीफाई हो रहे हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी 8 क्या कहती है कि अगर आप किसी रॉ को, किसी कॉलम को, रॉ की बात करते हैं, किसी रॉ को आपने नंबर से मल्टीप्लाई किया, बिलफर्ज में जो रॉ 1 है ना इसको मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है ना उसको मैं किसी और रॉ में ऐड कर रहा हूँ। जैसे मैं पहली वाली रॉ को ना 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, जो आंसर आ रहा होगा उसको मैं सेकंड रॉ में ऐड कर दूंगा। जैसे मैं इस रॉ को मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, तो ये हो जाएगा 3, ऐड कर दो 4 के अंदर, ये हो जाएगा 7। मैं सेकंड रॉ की बात करूँ, फर्स्ट रॉ तो अपनी जगह पे रहेगी, फर्स्ट और थर्ड रॉ अपनी जगह पे रहेगी, चेंजिंग किसके अंदर कर रहा हूँ, सेकंड रॉ के अंदर कर रहा हूँ। और क्या कर रहा हूँ कि पहली रॉ को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब मैं R1 को, पहली रॉ को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और उसको ऐड कर रहा हूँ R2 के अंदर। R2 के अंदर मैं 3 times R1 ऐड कर रहा हूँ, तो R1 का जो पहला एलिमेंट है 1 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो 3 आएगा, 3 plus 4 7, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो 6 आएगा, 6 plus 5 11, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो 9 आएगा, 9 plus 6 15। तो अगर आप ऑब्जर्व करो सेकेंड रॉ के अंदर मैंने क्या किया, किसी भी एक रॉ को, जैसे इस केस में मैंने पहली वाली रॉ को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया और उसको दूसरी रॉ में ऐड कर दिया, ये हरकत मैंने यहाँ पे की है। तो प्रॉपर्टी कहती है कि डिटरमिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, डिटरमिनेंट अपनी जगह पे ऐसी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसकी वैल्यू निकालो या आप इसकी वैल्यू निकालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अब ये अजीब सी बात है, हालांकि इतनी बड़ी आपने चेंजिंग की है, फर्क तो पड़ना चाहिए, बुक ने पूरा प्रूफ दिया है। अगर आप पेज नंबर 51 पे देखो ना, उन्होंने प्रॉपर्टी नंबर ये वाली लगा के ना पूरा उन्होंने प्रूफ दिया हुआ है कि दोनों की वैल्यू सेम होगी, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहो तो आप लोग देख लेना, पेज नंबर मैंने बता दिया सही। और ये काम आप किसी कॉलम के साथ भी कर सकते हो कि बिलफर्ज मैंने पहले कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया और उसको ऐड कर दिया दूसरे कॉलम के अंदर, डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ आपको डिटरमिनेंट देखने में अलग लग रहा है, दोनों अलग लग रहे हैं, लेकिन वैल्यू पे कोई फर्क नहीं है, आप इसका आंसर निकालो या आप इसका आंसर निकालो सेम ही आएगा। ये सब काम आप 2.4 में करोगे, सही है? तो यहां तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो। सर, हम रो 3 में कर सकते हैं? हाँ, किसी भी रॉ में ऐड कर दो। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट कह रहा है कि यार मैं काम करता हूँ, मैं रॉ 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ और रॉ 3 के अंदर ऐड कर देता हूँ, तो बिलफर्ज मैं इसको -5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, बिलफर्ज -5 को 1 से करो, -5 होगा, 7 में ऐड करो, 5 और 7 2 हो जाएगा। अच्छा, इसको -5 से मल्टीप्लाई करो, -10 होगा, -10 को ऐड 8 में ऐड करो, -2, इसको -5 से करो, -15, -15 को 1 में करो, -14। आप इसका आंसर भी निकाल के देख लो, ये मैथ है ना, यहाँ पे हर तरीके से इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। उन्होंने प्रूफ दिया हुआ है, जब उन्होंने प्रूफ दिया हुआ है इसका मतलब आप कुछ भी खेल लो इससे, आप किसी भी, हाँ ये नहीं करना कि किसी रॉ को मल्टीप्लाई करके किसी कॉलम में ऐड करो, ये हरकत नहीं करना, रॉ को मल्टीप्लाई करके रॉ में ऐड करो या किसी कॉलम को मल्टीप्लाई करके किसी नंबर से उसके कॉलम में ऐड करो, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, दिखने में आपको लगेगा, वैल्यू निकाल के देख लेना खुद ही समझ आ जाएगी बात। एक्सरसाइज 2.4।
अच्छा जी, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लेट ए आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है और आपको बोला हुआ है वेरीफाई करो कि इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट और इसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट आपस में इक्वल है। तो ये काम करना कोई मुश्किल बात नहीं है। आप सबसे पहले, ये मैं स्टेप्स बता रहा हूँ, होगा कि आप बॉम का देख लो इसको। सबसे पहले करना क्या है, बुक ने ऑलरेडी आपको नाम दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स ए आपको दी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन का स्टार्ट आपने इस तरीके से करना है, क्योंकि मेरी मेरी आदत होती है जब मैं होमवर्क दूँ तो पूरा समझा दूँ कि किन स्टेप्स को फॉलो करना है, बस उन स्टेप्स को फिल कर लेना आप लोग। फिर आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप के बाद ये चीज मालूम करना, इसका ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मालूम करने का तरीका बताया हुआ है, रॉ को कॉलम बना देना, सेकंड रॉ को सेकंड कॉलम बना देना, थर्ड रॉ को थर्ड कॉलम बना देना, आपके पास ए ट्रांसपोज आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, नाउ लिख देना और फिर निकालना है ए का डिटर्मिनेंट। ये ए आपके सामने है, इसको यहाँ पे फिल करना, 3x3 की मैट्रिक्स है ना, 3x3 की मैट्रिक्स आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में आपने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, जो डिटर्मिनेंट आएगा, जो वैल्यू आ रही होगी, डब्बा बना देना उस वैल्यू को। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालना, ये पूरी ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स यहाँ पे लिखना, डिटर्मिनेंट को सिंबल बनाना, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप डिटर्मिनेंट मालूम करना, जो भी आपके पास वैल्यू आ रही है उसको डब्बा बना देना। आप खुद ऑब्जर्व करोगे ए का डिटर्मिनेंट और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट आपस में इक्वल होगा। बहुत छोटा सा काम है, जस्ट डिटर्मिनेंट आपको लेना है। यहाँ पे 2.3 में हमने डिटर्मिनेंट बहुत दफा लिया, तो इसलिए मैं टाइम जाया करना नहीं चाह रहा इसके ऊपर, ठीक है, इसको देख लेना आप लोग। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ, जो असल 2.4 का काम है। लिखा हुआ है विदाउट एक्सपेंडिंग। अब देखो, एक तो होता है कि डिटरमिनेंट को आप एक्सपेंड कर रहे होते हो, रॉ वन से किसी भी रॉ से एक्सपेंड कर रहे होते हो, तो आपको बोला है कि एक्सपेंड करके डिटरमिनेंट ना निकालो, प्रूव ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब आपने एक्सपेंड नहीं करना, यूजिंग प्रॉपर्टीज। इन्होंने वर्ड मेंशन नहीं किया, लेकिन असल बात वो कहना चाह रहे हैं कि यार इसको एक्सपेंड ना करो, रॉ वन से या किसी रॉ टू से वो एक्सपेंड ना करो, प्रॉपर्टीज लगा के इसका आंसर निकालो, कि प्रॉपर्टी वन लगा लो, प्रॉपर्टी टू लगा लो, कोई भी प्रॉपर्टी लगाओ और फिर इसका आंसर निकालो। एक तो मैनुअल तरीका है कि आप एक्सपेंड करते हो पूरा डिटरमिनेंट, वो नहीं लगाना आपको। जब सवाल में बोल देना विदाउट एक्सपेंडिंग, तो फिर आपने ये काम नहीं करना, आपको कोई प्रॉपर्टी लगा के उसका आंसर निकालना है, ठीक है। तो ये तीन पार्ट है, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 एक किस्म के ही है, तो मैं 3 करवा दूंगा, बाकी पार्ट नंबर 1 देख लो। अच्छा, बुक ने ना एक सिंबल यूज किया डेल्टा का, अपनी आसानी के लिए उन्होंने जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ रही होती है ना, उसको डेल्टा सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो मैं बुक की नोटेशन फॉलो कर रहा हूँ, और सबसे पहले जो डिटरमिनेंट गिवन है ना, मैं इसको डेल्टा का नाम दे देता हूँ, ये डिटरमिनेंट है। पहले तो आप प्रॉपर्टीज नंबर्स पे लगाते थे ना, नंबर्स पे लगाते नहीं, आप ही एक्स वाई जेड पे इन पे प्रॉपर्टीज लगाते थे, ठीक है। ये सवाल गिवन है, आपको एक्सपेंड नहीं करना किसी रॉ या किसी कॉलम से, आपको बस प्रॉपर्टीज लगा के इसको सॉल्व करना है। तो जरा देखते हैं क्या करना है इसमें। सबसे पहली बात, अब देखो ये चीजें जो है ना, ये आप लोगों के एक्सपीरियंस से आएंगे, जितने आप सवाल सॉल्व करोगे उतना आपको चीजें क्लियर होंगी, कि इन टाइप के सवालों में ना आपकी कोशिश ज्यादातर क्या होती है। देखो, ज्यादातर इन टाइप के सवालों में आंसर जीरो आ रहा होता है आपका, ठीक है, क्यों, वो दो तीन प्रॉपर्टी जो जीरो वाली है ना वो आप लगाते हो। आपकी कोशिश ये होती है, ज्यादातर कोशिश क्या होती है, कि आप किसी दो रॉ को सेम कर लो, क्योंकि जैसे कोई दो रॉ या दो कॉलम सेम हो गए ना, हो जाएगा प्रॉपर्टी। आपने मेरे ख्याल में 3 या 4 प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़ी थी, कि जब दो रॉ सेम हो जाए तो डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा। तो आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए, किसी दो रॉ को सेम कर लो, जैसे ही आपने दो रॉ को सेम कर लिया, उसका डिटरमिनेंट नेक्स्ट स्टेप में लिख देना, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा इसका, ठीक है। अब यहां पर मुझे लग रहा है कि मैं दो रॉ सेम कर सकता हूँ, कैसे, आप लोग जरा गौर करो। सबसे पहले आप क्या करो यहाँ पे, आप यहाँ पे ये जो R2 है ना, इसको ऐड करवा दो R3 के अंदर। इसको कैसे लिखूंगा, बाई एडिंग R1, सॉरी R2 टू R1, कि मैं R2 को ऐड कर रहा हूं किसके अंदर, R1 के अंदर ऐड कर रहा हूं। इसको आप इस तरह सिंबल की फॉर्म में भी लिख सकते हो, कि R1 के अंदर मैंने R2 को ऐड कर दिया, इस तरह भी लिखना चाह रहे हो, अगर चाहो तो लिख लो आप इस तरीके से। अच्छा, अब देखो कोई भी काम मैं अपनी तरफ से नहीं कर सकता, असल मसला पता है क्या है, जो नॉर्मली बच्चों को ये सवाल सॉल्व करने आते हैं, लेकिन उनसे अगर लॉजिक पूछो, लॉजिक समझ नहीं आ रही उनको, भाई मैं अपनी तरफ से क्यों इस तरह ऐड करूं, जब मैं अपनी तरफ से कुछ करूंगा तो आंसर तो चेंज हो जाएगा। नहीं, प्रॉपर्टीज यूज करोगे तो आंसर चेंज नहीं होगा, क्यों, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्रॉपर्टी नंबर 8, कि जब आप किसी रॉ को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो और उसको नेक्स्ट रॉ में ऐड करते हो, डिटरमिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टेक्निकल तौर पे मैंने R2 को 1 से मल्टीप्लाई किया है ना, मैंने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया और मैंने ऐड कर दिया इसको R1 के अंदर, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
ये जो प्रॉपर्टी एट थी ना, ये मुझे ये काम करना अलाउ करती है। मैं कोई रेंडमली अपनी तरफ से सारे काम नहीं करूंगा, प्रॉपर्टीज लगाऊंगा मैं। तो प्रॉपर्टी नंबर एट ने मुझे अलाउ किया था कि आप किसी भी रॉ को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरी में ऐड कर दो, डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दैट्स वाई हम वही काम करते हैं कि आर टू को मैं ऐड करता हूँ आर वन के अंदर, तभी क्या हो जाएगी, जब जेड को ऐड करोगे एक्स वाई के अंदर तो ये एक्स वाई प्लस जेड हो जाएगा। अच्छा, जब एक्स को इसके अंदर ऐड करोगे दोबारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, वाई को इसके अंदर ऐड करोगे दोबारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। अरेंज करके मैं लिख रहा हूँ और बाकी रॉस अपनी जगह पे आ जाएंगी, उनमें तो कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, कोशिश है कि दो रॉ को सेम करना है। सिंपल आपने यहाँ पे काम करना है, ये जो रॉ वन है आपको दिखने में लग रहा है कॉमन आ रहा है यहाँ से, क्या एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन है, तो आप जस्ट लिखो टेकिंग एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन फ्रॉम रॉ वन। आप क्या करो, रॉ वन से बस कॉमन ले लो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वो तो होगा क्या, मैंने एक्स प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन ले लिया। ठीक है, अब पीछे डिटरमिनेंट में क्या बचेगा, जब मैं इस पूरी चीज को कॉमन ले लूंगा तो वन ही बचेगा, इसी तरह यहाँ पे वन बचेगा, इसी तरह यहाँ पे वन बचेगा। सेकेंड और थर्ड रॉ तो अपनी जगह पे आप लिख दो। अब देखो ये करने से मुझे फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि आर वन और आर थ्री दोनों सेम हो गई हैं, और जब दो रॉ सेम होती हैं तो प्रॉपर्टी थ्री ने मुझे बताया था कि उनका डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा। तो बस अब आप क्या लिखो, आप लिखो सिंस आर वन एंड आर थ्री आर आइडेंटिकल, देयर फोर वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ये बात लिख देना, आपको कोई कह नहीं रहा कि प्रॉपर्टी नंबर बताओ, मतलब आप ये भी कह सकते हो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर थ्री, लेकिन ये अजीब सी बात है, आप प्रॉपर्टी मेंशन कर दो, वजह बताओ उनको, क्या वजह है कि भाई आर वन और आर थ्री आइडेंटिकल हो गई हैं, सेम हो गई हैं, इक्वल हो गई हैं, कोई भी वर्ड यूज कर लो। तो फिर क्या होता है भाई, जब वो इक्वल होती हैं तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या होती है, जीरो के बराबर होती है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप ये काम करके दिखा दो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपनी जगह पे, और ये जो पूरा डिटरमिनेंट है उस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो के बराबर। और जीरो को जब किसी से मल्टीप्लाई करोगे आंसर जीरो आता है। तो एट द एंड आपने, अब देखो आपने डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली है बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, आप इसको एक्सपेंड ही कर सकते थे, आप इसको जैसे जो मैंने प्रॉपर तरीका बताया हुआ था ना डिटरमिनेंट कैसे निकालना है, आप इसको रॉ वन या रॉ थ्री किसी भी रॉ से एक्सपेंड करो, सॉल्व करना पूरा एंड पे जाके, देखना आंसर जीरो ही आ रहा होगा, चीजें कैंसिल वैंसिल हो गया एंड पे आंसर जीरो ही आ रहा होगा। तो ये है आपने एक्सपेंड करके सॉल्व किया, जबकि ये जो मेथड है ये आपने प्रॉपर्टीज लगा के सॉल्व किया इसको। कोई सवाल यहाँ पे, जो पार्ट नंबर थ्री है और पार्ट नंबर टू है सेम ही काम करना जो यहाँ पे किया, तो मैं वैसे आप लोगों को बता देता हूँ स्टेप्स में, आप लोग लिख लेना फिर तो पेपर में ना, इसी तरह लिखना, मेंशन करना फिर काम करना, फिर मेंशन करना फिर वो काम करना, इस तरीके से करोगे सवाल आपका अच्छा होगा। तो जो बाकी दो सवाल बता रहा हूँ वैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप लोग प्रॉपर स्टेप बना के कर लेना। जैसे पार्ट टू में लिखा हुआ है वन 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 एक्स वाई जेड, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, ये वही है पूरा, हल्का फुल्का इस पे ऑपरेशन लगा के इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है, तो इसका आंसर भी जीरो ही होगा। खैर इसका आंसर क्या निकालोगे, सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा, ये मैं स्टेप की फॉर्म में आपको बताता हूँ, सबसे पहला स्टेप आपको पता क्या होगा, क्वेश्चन बता सकते क्या होगा, कॉलम टू को कॉलम थ्री में ऐड कर एक्सीलेंट, इस कॉलम टू को ऐड कर दो कॉलम थ्री के अंदर, तो लिखना ऐड वही बाय एडिंग सी टू टू सी थ्री। नेक्स्ट स्टेप में आप ये करके दिखाना कि आप क्या करोगे, एक्स प्लस वाई मतलब इस पूरे कॉलम को ऐड करवा दोगे इसके अंदर, तो अब आपके पास मैट्रिक्स आएगी क्या, वन 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 एक्स वाई जेड, और तीसरा कॉलम क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस। फिर अब क्या करोगे, या आप बेहतर जानते हो वही टेकिंग कॉमन एक्स प्लस वाई जेड फ्रॉम सी थ्री, सी थ्री से आप एक कॉमन ले लेना तो ये वन 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 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में लिखना सिंपल सी वन और सी थ्री आइडेंटिकल है तो उसका डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट वही काम करना है, यहाँ पे रॉ के जरिए से आप कर रहे होते थे, यहाँ पे कॉलम में आपने करना। और जरा पार्ट नंबर थ्री में आ जाओ, पार्ट नंबर थ्री 4x4 की है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, काम वही करना है जो 3x3 में आप कर रहे थे।
अच्छा एक चीज मैं यहाँ पे भूल गया हूँ, इन्होंने सवाल मुझे था कि सर वैल्यू निकालनी है, इन्होंने सवाल में बोला था कि प्रूफ करो जीरो के बराबर है, तो जरा देख लेना ये आप इसको प्रूफ की हेडिंग डाल दो, आपको प्रूफ करना है यहाँ पे ठीक है, और इसको लेट ये कर लेना, आपको प्रूफ क्या करना है लिख देना कि मतलब सवाल में तो आप ये लिख देना कि इसको लेट कर लेना, मतलब ये तो सवाल बिल्कुल आपने सही लिखा है, इसके बाद एक जुमला लिख देना अगर लिखना चाहो तो, वी हैव टू प्रूव दैट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो, ये बता देना अगर चाहो, क्योंकि मुझे पता नहीं था प्रूफ करना, मुझे तो शायद वैल्यू निकालनी है इसकी, तो ये लिखने के बाद आप जुमला ऐड कर देना, वी हैव टू प्रूव दैट कि डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो है, नेक्स्ट टाइम से आप प्रूफ पूरा स्टार्ट कर देना, जब यहाँ पे प्रूफ कर दिया तो आगे लिख देना प्रूफ्ड, प्रूफ जो सवाल प्रूफ के होते हैं नॉर्मली उसमें इस तरह काम कर रहे होते हैं, तो इस तरह कर लेना इसको ठीक है, सब जितने भी पार्ट हैं उनमें आपने प्रूफ ही करना है। अच्छा कोई स्टूडेंट बता सकता है ये भी जीरो के बराबर प्रूफ करना है, इसमें क्या करेंगे? कॉलम 2 और कॉलम 3 को कॉलम 4 में ऐड करेंगे और फिर एक्सीलेंट, कॉलम कॉमन ले लेंगे। पहले ये काम कर लेते हैं हम कि हम क्या आप लोग लिखना सिंपल कि बाय एडिंग C2 एंड C3 टू C4, C2 और C3 को आप ऐड कर दो C4 के अंदर, भाई आप किसी एक रॉ या एक कॉलम को कर दो या किसी दो रॉ को आपस में ऐड कर दो किसी तीसरी में, डिटरमिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रॉपर्टी 8 ने हमें बताया था ठीक है, तो जब करोगे तो ये सिचुएशन बनेगी, यहाँ पे के ये आ जाएगा, ये हो जाएगा बी बी, दरमियान के दो कॉलम सेम है ए सी सी डी, फर्क ये होगा कि जब आप बी और ए को ऐड करोगे सी प्लस डी में तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसी तरह बी और सी को ऐड करोगे ए प्लस डी में अगेन ए प्लस बी प्लस सी डी, सेम डी और सी को इसमें ऐड करो ए और डी को इसमें ऐड करो, तो ये जो चौथा कॉलम है ना ये आपका क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ठीक है, अब उसके बाद क्या करोगे आप लिखना टेकिंग ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी एंड के, मतलब दो चीजों को आपने कॉमन लेना है यहाँ पे, एक तो आपको के को कॉमन लेना है और एक आपको ए प्लस बी प्लस सी डी को कॉमन लेना है, इसको लेना है C1 से और इसको लेना है C4 से, तो आप लिखना टेकिंग के एंड ए प्लस बी प्लस सी डी कॉमन फ्रॉम C1 एंड C4, तो जब आप इससे के कॉमन ले लोगे यहाँ पे वन 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 बच जाएगा, इससे जब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कॉमन लोगे वन 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 बचेगा, नेक्स्ट स्टेप में अभी लिखना कि भाई दो कॉलम आइडेंटिकल है, डिटरमिनेंट जीरो हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला हुआ अगेन विदाउट एक्सपेंडिंग डिटरमिनेंट्स प्रूव दैट, अगेन आपको प्रूव करना है, और ये सवाल बहुत ही बच्चों वाले हैं, जो आपने पार्ट 1 किया है ना सेम काम इन सब सवालों में आपको करना है, जो पार्ट नंबर 1 है पार्ट नंबर 2 है, अच्छा उसके ऊपर नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 सेम है, लिटरली सेम है, कोई वैल्यू में फर्क ही नहीं है, अब ये टाइपिंग मिस्टेक है जानबूझ के डाला उन्होंने क्या सीन है, तो पार्ट नंबर 2 पार्ट नंबर 3 सेम ही है, तो टेक्निकल तौर पे क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट नहीं है 5 पार्ट है, क्योंकि एक तो सेम ही है ना, तो पार्ट 1 और पार्ट नंबर 2 को देख लेते हैं, पार्ट 1 में अगेन क्या लिखा हुआ है, वन 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 ए बी सी बी प्लस सी सी प्लस ए ए प्लस बी, बहुत ही बच्चों वाला है बिल्कुल पार्ट नंबर 2 जैसा है क्वेश्चन नंबर 2 के, अगेन क्या करना है भाई जो C2 है इसको ऐड करवा देना C3 के अंदर, जब C3 के अंदर ऐड करवाओगे ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी, फिर यहां से कॉमन ले लेना तो ये 1 हो जाएगा, बोल देना आइडेंटिकल हो गया ये, अब जरा इस पे आ जाते हैं पार्ट नंबर 2, अब इसके अंदर क्या करना है, डेफिनेटली इसमें ऐड करने वाली टेक्निक तो काम नहीं आएगी, आप किसी रॉ को, अब देखो यहाँ पे कोई भी दो रॉ को सेम करना मुश्किल है, पहले तो एक आसान रॉ ऑलरेडी 1 1 होती थी आप कॉमन लेके सेम कर लिया करते थे, यहाँ पे सेम करने वाली टेक्निक तो आपकी फेल हो रही है, सेम करना आपके लिए मुश्किल है, तो फिर प्रॉपर्टी नंबर 4 देख लो कि जीरो कर सकते हो, या सेम वाली भी देख लेते हैं शायद सेम हो जाए, मुझे को पता सेम हो जाएगी, शायद हो जाएगी सेम इसके अंदर, अच्छा जिस जगह पे सेम करने वाला फ्लॉप हो जाए ना तो वो दूसरा जो आपने काम करना होता है ना वो जीरो देखने वाला करना होता है ठीक है, लेकिन यहाँ पे एकदम से मेरे ध्यान में आके सेम हो सकती है, कैसे होगी जरा वो देख लेते हैं किसी को पता कैसे होगी? सर अच्छा बिल्कुल, कॉमन 3 कॉमन निकल जाए कॉमन कहीं से भी नहीं आ रहा, कहाँ से कॉमन निकाल रही हो, किस कॉलम से? अच्छा कॉलम 2 से 3 के टेबल में तो ऐसे थोड़ी ना कॉमन निकालते हैं आप, कॉमन इस तरह होता है कि जब ये टर्म इस टाइप की होती है, मतलब 3 कुछ बाहर आ रहा होता है ना
कॉमन आप उसको देते जब वो कोई एक टर्म की फॉर्म में लिखा हो, ये जो है ना ये एक टर्म की फॉर्म में लिखा हो इस तरीके से, ये तो दो टर्म कंसिडर होंगी ना अलग अलग, इसमें से आप कॉमन कैसे निकाल लोगे, ये तो कोई सेंस नहीं बनती। ये तो उसको छोड़ दो, अगर वैसे अगर आपके पास लिखा हो एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस सिक्स और एक्स प्लस नाइन, कंसिडर कर लो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, चलो तो आप यहाँ से अभी भी थ्री कॉमन ही ले सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी नहीं है ना जिसके तहत आप थ्री निकाल लोगे यहाँ पे कॉमन ले लोगे, ऐसा कुछ नहीं है, तो कॉमन तो कुछ नहीं ले सकते आप। और कोई जहन में आ रहा तरीका किसी के? देखो सिंपल एक काम करो, यहाँ पे क्या काम करो कि यहाँ पे आप तो हम जुमले में इस तरह लिखेंगे, आर टू को मतलब आर टू से आप आर वन को माइनस कर दो, और फिर आर थ्री से आर टू को माइनस कर दो, ये भी लिख सकते हो आप, या इसके सामने ये लिख दो आर थ्री को आर थ्री में से माइनस कर दो आर वन, करके दिखाता हूँ फिर मैं आपको फर्क बताता हूँ। इसको जुमले में अगर आप लिखना चाहो ना तो इस तरह लिखोगे, सब्ट्रैक्टिंग आर फ्रॉम आर टू, कि सब्ट्रैक्ट कर दो आर वन को किस में से, आर टू में से कर दो, तो इसका मतलब क्या है, आर वन अपनी जगह पे रहेगी, उसको कोई भी नहीं छेड़ रहा, वो अपनी जगह पे, हम क्या कर रहे हैं हम आर टू को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब आर टू में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं आर वन को, तो ये आर टू है ना एक्स प्लस फोर माइनस आर वन, आर वन में क्या लिखा हुआ है एक्स प्लस वन, तो जब आप x प्लस फोर माइनस इसको इस तरह लिखोगे x प्लस फोर माइनस x प्लस वन, तो ये माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस x माइनस वन, ये सिचुएशन बन जाएगी, ठीक है। इसी तरह x प्लस सिक्स माइनस x माइनस थ्री, इसी तरह x प्लस एट माइनस x माइनस फाइव, इस तरह कर दो। उसके बाद आप क्या करो, अच्छा देखो यहाँ पे आर थ्री माइनस आर टू नहीं कर सकते, उसकी वजह ये थी कि आर टू आपकी चेंज हो गई ना पूरी, या तो आप इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करने के बाद भी मल्टीप्लाई वो सेंस नहीं बना रही ना बात, तो यहाँ पे सेंस क्या बना रही है, क्योंकि आर टू को तो आपने चेंज कर दिया ना, तो चेंज कौन सी नहीं हुई, आर वन चेंज नहीं हुई ना, तो आर वन को हम माइनस कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या होगा, गेन एक्स प्लस सेवन और इसमें से माइनस कर दो आर वन को, तो ये माइनस एक्स माइनस वन, इसी तरह ये हो जाएगा एक्स प्लस नाइन माइनस एक्स माइनस थ्री, इसी तरह x प्लस इलेवन माइनस एक्स माइनस फाइव, तो आपने किया क्या, आर टू में से आर वन को सब्ट्रैक्ट कर दिया और आर थ्री में से आर वन को कर दिया, फायदा क्या हुआ इसका, ये पहला स्टेप है आपका। इसको इस तरह भी लिख सकते हो या जुमले में भी लिख सकते हो, सब्ट्रैक्टिंग आर वन फ्रॉम आर टू, सब्ट्रैक्टिंग आर वन फ्रॉम, इसको इस तरह एक जुमले में लिख दो, सब्ट्रैक्टिंग आर वन फ्रॉम आर टू एंड आर थ्री, इस तरह भी आप लिख सकते हो या इस तरह लिख दो मर्जी आपकी, ये पहला स्टेप हो जाएगा। दूसरे स्टेप में क्या करना, सिंप्लीफाई करना है इसको, सिंप्लीफाई कैसे करोगे, एक्स प्लस वन एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव, अच्छा इसमें एक्स और माइनस एक्स कैंसिल, फोर माइनस वन क्या होता है थ्री, अगेन एक्स और माइनस एक्स कैंसिल, सिक्स माइनस थ्री थ्री, एक्स और माइनस एक्स कैंसिल, एट माइनस फाइव थ्री, नीचे क्या होगा, नीचे कैंसिल होगा, सेवन माइनस वन क्या होता है सिक्स, नीचे सिक्स 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 आ रहा हो, और जब आप इस स्टेज पे पहुंच जाओ इसके बाद आपने क्या करना है, लिखना टेकिंग टू कॉमन फ्रॉम आर थ्री, वैसे आप इसमें से थ्री कॉमन ले लो, इसमें से सिक्स कॉमन ले लो, ये भी वर्डिंग आप देख सकते हो, लेकिन बेसिकली आपको दो रॉ को सेम करना है, तो दोनों से कॉमन लेने के बजाय आप जस्ट आर थ्री से ना टू कॉमन ले लो, तो अब नेक्स्ट स्टेप में आप लिखना टेकिंग टेकिंग टू कॉमन फ्रॉम आर थ्री, तो जब आर थ्री से आप टू कॉमन लोगे होगा ये कि जब सिक्स से आप टू कॉमन लेते हो थ्री 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 बच जाएगा, तो अब अगर आप ऑब्जर्व करो आपकी सेकेंड और थर्ड रॉ सेम होगी है, आप लिख देना कि सिंस आर टू एंड आर थ्री आर आइडेंटिकल देयर फोर इसका डिटरमिनेंट का आंसर जीरो के बराबर होगा, तो मैंने रफ ही लिखा है ताकि हमारा टाइम थोड़ा बच जाए, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कॉन्सेप्ट ज्यादा समझाने पे लगाऊं, ये काम तो आप आसानी से कर सकते हो, मैंने बता भी दिया, आंसर आपका प्रूव हो जाएगा कि जीरो के बराबर है।